सुशांत सिंह राजपूत ने पिछले 8 सालों में करीब 10 फिल्मों में काम किया था। खास बात यह है कि उन्होंने बहुत सारी हीरोइंस का करियर लॉन्च किया था। जी हाँ, आज वो सारी एक्ट्रेस बड़ा नाम है और फिल्मों में खूब सफलता हासिल कर रही है। अपनी फिल्मों के कई एक्ट्रेस के लिए वो लकी रहे। जानते हैं कौन थी वो एक्ट्रेसेस जिन्होंने अपना करियर सुशांत की फिल्मों से शुरू किया और उनका हाथ थाम सफलता की सीढ़ियां चढ़ी। दिशा पटानी। फिल्म धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में दिशा ने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था। सुशांत की फिल्म में अपने छोटे से रोल से दिशा का फिल्मी सफर शुरू हुआ और आज दिशा पॉपुलर अभिनेत्रियों में से एक है। कियारा अडवाणी। फिल्म धोनी में ही सुशांत सिंह राजपूत के साथ ही कियारा अडवाणी ने अपना करियर शुरू किया था। फिल्म में वो बनी थी धोनी की पत्नी साक्षी। आज कियारा जानी पहचानी अभिनेत्री है, लेकिन उस वक्त सुशांत की फिल्म ने ही उन्हें पहचान दिलाई थी। कृति सैनन। कृति ने यूं तो टाइगर श्रॉफ के साथ डेब्यू किया था, लेकिन सुशांत के साथ उनकी फिल्म राबता ने उन्हें काफी सुर्खियों में रखा। इसी फिल्म के बाद उन्हें मिली बरेली की बर्फी और वो एक अलग लीग की एक्ट्रेस में शुमार हो गई। सारा अली खान। सैफ अली खान और अमृता सिंह की बेटी ने जब अपनी पहली फिल्म साइन की थी वो थी सुशांत के साथ। फिल्म थी केदारनाथ और जिसे बनाया था अभिषेक कपूर ने। फिल्म तो नहीं चली लेकिन सारा अली खान का करियर बन गया। फिल्म में सुशांत का अभिनय काफी अच्छा था, लेकिन दर्शकों को फिल्म नहीं भाई। वाणी कपूर। सुशांत की दूसरी फिल्म शुद्ध देसी रोमांस में वाणी कपूर ने अपना डेब्यू किया था। फिल्म में परिणीति चोपड़ा के साथ सुशांत हीरो थे। फिल्म तो नहीं चली लेकिन वाणी को इस फिल्म ने यशराज फिल्म्स का रास्ता दिखा दिया और उसके बाद बेफिक्री और वॉर जैसी बड़े बजट की फिल्मों में उन्होंने काम किया। इस साल सुशांत एक और फिल्म दिल बेचारा में संजना सांघी नाम की एक न्यू कमर के साथ दिखेंगे। खुद सुशांत के साथ अनुष्का शर्मा और परिणीति चोपड़ा ने काम किया था जब वो न्यू कमर थे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।